अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो है दो बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग लोशंस के हवाले से। चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मेरी तरह आप सबकी स्किन भी बहुत ड्राई फील हो रही होगी, तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ दो बहुत ही बेहतरीन से लोशन, मॉइस्चराइजिंग लोशन। एक एक करके मैं रिव्यू दे रही हूँ इनका। पहला है वैसलीन की कंपनी का लोशन और हेल्दी वाइट यूवी लाइटनिंग बी कॉम्प्लेक्स है, बीच में सनस्क्रीन भी है और ब्राइटनिंग स्किन बीट्स भी हैं इसके अंदर, यानी कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा कुछ और डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसका यूजेज लिखा हुआ है 2 वीक्स में फेयर स्किन का इन्होंने दावा किया है। और इसके अलावा इन्ग्रीडियंट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंपोर्टेड है, यानी कि पाकिस्तान की नहीं है। इसके अलावा 200 ml जो है इसका नेट वेट है। यानी इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, तो जो इन्होंने 2 वीक्स का प्रॉमिस किया है कि आपको फेयरर और हेल्दियर स्किन होगी इसको इस्तेमाल करने से, तो वाकई स्किन जो है वो बहुत रिपेयर की थी इसने, और स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और अच्छी यानी फ्रेश लुक पे आ गई थी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ज़्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन ये कि मॉइस्चराइज़र जो है ये यानी कि स्किन पे अच्छी सी जो है मॉइस्चराइजेशन रहती है इसको इस्तेमाल करने से, और हैंड्स और फीट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ निकाल के। लाइट वेट क्रीमी सा टेक्सचर है, यानी हैवी नहीं लगता इसको यूज़ करने से। जो है और बहुत ही लाइट वेट सा है, आपको मैं ये हल्का सा फैला कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल महसूस नहीं होता और बहुत ही अच्छी सी मॉइस्चराइजेशन दे देता है स्किन पे। और ये आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक जो है बहुत ही अच्छा सा लुक है, और बहुत ही अच्छा ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है। देन हम निविया के लोशन का रिव्यू देती हूँ आपको मैं। बहुत ही अच्छा ये लोशन है और वेनेला एंड एलमंड ऑयल इसमें पहले से एडिड है, यानी कि इसमें वाइल्ड बेस्ड लोशन है ये। वाइल्ड का सोच के देख के मुझे भी ये फील हुआ था कि शायद ये मेरी स्किन जो कि पहले से ही थोड़ी ऑयली है इसको और ऑयली कर देगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा किया इसने। और स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन दिया इसने और बहुत ही अच्छी इसने स्किन की रिपेयर भी की, यानी कि बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। कुछ इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि दूसरी किसी और लैंग्वेज में। देन इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ये भी इंपोर्टेड है। 200 ml इसका नेट वेट है और यहाँ की पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसकी। देन इसके अलावा कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर। और निविया का जो ये लोशन है मॉइस्चराइजिंग लोशन, इसकी ये ख़ास बात ये है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वेनेला की और एलमंड ऑयल की बहुत ही सॉफ्ट सी खुशबू है इसकी। और ये मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो बहुत ही लाइट वेट सा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट वेट सा है और बिल्कुल फील ही नहीं होता कि आपने कुछ जो है लोशन लगाया है। पॉरन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी ऑयली स्किन वाले इसको इजीली लगा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया और स्किन को भी मॉइस्चराइज रखता है। तो ये हैं बहुत ही बेहतरीन से और मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।